एक महीने के अंदर देश के तीसरे राज्य में निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं। हरियाणा और पंजाब में बीजेपी को भले ही किसान आंदोलन के चलते मायूसी हाथ लगी है, लेकिन गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। यहां की जीत जहां बीजेपी के लिए बड़ी जीत है, तो वहीं कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। जी हां, गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे कांग्रेस को भारी टेंशन देने वाले हैं, तो वहीं एक तरफा जीत ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बूस्ट दिया है। इस चुनाव परिणाम ने यह साफ कर दिया कि गुजरात के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ और मजबूत हुई है। आंकड़े बताते हैं कि कैसे बीजेपी ने बीते दिनों में शहरी वोटरों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में सफलता हासिल की है। बीजेपी ने 6 नगर निगमों अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, जामनगर, राजकोट और बड़ोदरा में अपनी पकड़ बरकरार रखी है, तो वहीं कांग्रेस का रहा सहा जनाधार भी लगातार सिकुड़ता जा रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस पाटीदारों के गढ़ में जोर का झटका लगा है। ऐसा तब है जब गुजरात कांग्रेस के प्रमुख पाटीदार नेता हार्दिक पटेल हैं। 2015 में हुए गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी को 68.18% सीटों पर सफलता मिली थी, मगर इस बार उसने 83.85% सीटों पर कब्जा कर लिया है। यानी पिछले 6 सालों में बीजेपी ने अपने कब्जे की सीटों में 15.67% का इजाफा कर लिया। पिछली बार 572 सीटों पर चुनाव हुए थे, जबकि इस बार 576 सीटों पर चुनाव हुए हैं। गुजरात के शहरी वोटर कितनी तेजी से कांग्रेस से दूर हो रहे हैं, इसका एक नमूना भी चुनाव परिणाम में देखने को मिला है। पार्टी ने 2015 में कुल 30.6% सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ये घटकर सिर्फ 9.55% रह गया। यानी कांग्रेस ने बीते 6 सालों में 21.05% सीटें गवा दी। बीजेपी के फायदे और कांग्रेस के नुकसान के बीच 5.38% का अंतर है। कांग्रेस ने अपनी 21.05% सीटें खोई हैं, जबकि बीजेपी के सीटों में 15.67% का इजाफा हुआ। इस चुनाव में जो सीटें कांग्रेस से खिसकी हैं, वो बीजेपी के पास नहीं गई। इस चुनाव में कांग्रेस को पाटीदार राजनीति के मोर्चे पर भी झटका लगा है। पाटीदार आंदोलन के बाद सक्रिय राजनीति में आए हार्दिक पटेल चुनावी अखाड़े में चारों खाने चित हो गए। अपनी पहली ही अग्नि परीक्षा में हार्दिक पूरी तरह से फेल साबित हुए। पाटीदारों के इलाके में कांग्रेस मटिया मेट हो गई और पाटीदारों के गढ़ सूरत में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। रिपोर्ट